गिफ्ट जो आज मिले हैं अनबॉक्स करते हैं। रेडी? आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी खोली, अभी खोली, अभी खोली, चीटिंग नहीं करनी। कितने नग गए थे? ऑर्डर लगाओ, चेक करो, दिखाओ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। आप सबको याद ही होगा कि संडे वाले दिन का इनविटेशन था हमारी तरफ से और हैदर वगैरह की तरफ से आप सबको मजलिस का। अब इनविटेशन दिया है तो हमें भी तो वहां पहुंचना पड़ेगा ना, लेकिन हमारी फितरत बन चुकी है, हमने हर जगह पे लेट पहुंचना ही पहुंचना है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माई। नहीं जी, आप मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप लैपटॉप लो, अपना अपनी चीजें पूरी करो, अपना मोबाइल। यार एक मसला हो गया, मसला ये हो गया कि एक तो मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मांगा हुआ जो आपका नेट का खाना बात हुआ था उसके बाद लेट हुए हो। एक तो मोबाइल यूज कर रहा हूँ मांगा हुआ, दूसरी बात यह कि जो व्लॉग आप लोगों ने कल देखा है 35 मिनट का व्लॉग था स्ट्रगलिंग लाइफ वाला, उसको अपलोड करने में ही मुझे 6 घंटे लग गए। नेट मसला कर रहा था, वो कहता भैया आप लैपटॉप लो, आपका प्रोफेशनल काम है अब। और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक फोन है, उसी फोन के ऊपर एडिटिंग, उसी फोन के ऊपर शूटिंग, उसी फोन के ऊपर अपलोडिंग। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हमने वो फोन भी छोटा हुआ हुआ है। हाँ जी, वो पहले 14 प्रो मैक्स था, 14 है, कोई बात नहीं, जिसने दिया हुआ है उसकी मेहरबानी। अब जिन्होंने मेरे फोन देने हैं वो तो डिटो पार्टियां लगा रहे हैं ना भैया, आ जाएगा 2 दिन में इंशाल्लाह, अल्लाह ख्याल करे, पता नहीं कब आ जाएगा। अब अगर हमने ये काम प्रोफेशनली करना है तो हमें एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, एक फोन लेना पड़ेगा एडिटिंग के लिए और एक फोन लेना पड़ेगा शूटिंग के लिए, ताकि अब अगर मेरे जैसे व्लॉग सुबह से अपलोड पे लगाया हुआ था, व्लॉग अपलोड पे लगा रहता और मैं नया व्लॉग स्टार्ट कर सकता, शूट कर सकता। इतना बुरा सुबह से फंसा हुआ था कि बता नहीं सकता। अब लेट हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं और अभी मुझे हैदर के 3 से 4 फोन आ गए हैं। बताओ जाना किस किसने? आप तो रेडी खड़े हो ना? मैंने जाना, आपने जाना, आपने जाना व्हाट्सएप? ओके। और यार जाना कि नहीं जाना, ओके क्यों होता है? जाना है, तूने भी जाना है? यार ये अवैस के काफी कमेंट आते हैं कि भाई क्या अवैस भी शिया है? भाई तू शिया? नहीं मैं शिया तो नहीं। अवैस शिया नहीं है, लेकिन उसको पता है कि अहले बैत से मोहब्बत होने के लिए शिया या सुन्नी होना जरूरी नहीं है। टाइम वेस्ट किए बगैर निकलते हैं, हमारे प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। गंदे हो गए ना, फिर गंदे हो गए। पकड़ 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 पकड़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आ जाओ भाई, आ जाओ, शाबाश शाबाश, फटाफट करो, फटाफट करो, आ जाओ भट्ट साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अल्लाह मोहम्मद चले जी, मोहम्मद। ओके जी, खैर आफियत से घर से निकल पड़े हैं और मैं माजरत करता हूँ इन एडवांस अपने सारे फैमिली मेंबर्स से, अगर आपको मेरा वेट करना पड़ा वहाँ मजलिस पे तो। एक्सक्यूज मी मिस्टर रजब, जरा एसी तो तेज करना जी। एक्सक्यूज मी करना, वहाँ मोबाइल से परे करो कि मोबाइल मेरे मुंह फाड़ना जी। एसी तेज करना जी, करने सरकार करने जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवैस बात कर रहा हूँ फ्रॉम रजब फैमिली। मैं बात कर रहा हूँ iPhone 7 Plus 32 GB PTA अप्रूव ब्लैक कलर से। बताएं क्या काम है आपको? यार मैं की करा यार, ना दुआ था पापा जी, आप और मैं ही गरीब रह गए, पीछे अम्मा और अवैस दोनों अमीर लोग बैठे हुए हैं, वो प्रेसिडेंट से बातें करती हैं, ये जो है आप पता नहीं किससे बात। आपको किसका फोन था सर? मुझे सर नवाशिर साहब का फोन था, नवाशिर साहब का फोन था, उन्होंने मुबारकबाद, हाँ जी उन्होंने उन्होंने मुबारकबाद दी है iPhone 7 Plus की। सही है भाई, मैं तो मेरा प्यो ही गरीब रह गए बस। चलो जी, हाँ जी बच्चो, बस शाम इंतजार कर रहा हूँ। ओ मां आ गए हो, वाह सलाम वाह। एक मेरी बात सुन लो, मजलिस है, पहले मजलिस पे ध्यान दो, सारे मैं आ रहा हूँ उधर ही, सबको मिलूंगा मैं, सबको मिलूंगा, पहले मजलिस पे ध्यान दो ठीक है? चलो चलो चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मेरी जान, मैं आ रहा हूँ मेरी, थैंक यू। चलो चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ले लिया ब्लॉग में, चलो मैं आ रहा हूँ, चलो चलो चलो, शाबाश 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 शाबाश। ऐसा काम खराब है मम्मा जी, अच्छे ओके। बात
इन दोनों को ले आ रहा अच्छा भाई एक मसला हो गया है कि मैं इमाम बारगाह तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अम्मा को जो है हमने वो लेडीज वाली साइड पे भेज दिया, हैदर के घर पे भेज दिया। मैं और अवैस जो है ना वो अभी तक इमाम बारगाह पहुंच ही नहीं पा रहे। अब ये छोटा गेट है, यहाँ से पीछे से निकलना पड़ेगा कुछ चलते चलते। ये अवैस ने कार्ड भी पकड़ा है, चॉकलेट की थी चॉकलेट जेब में डाल लिया, और भी कुछ 3-4 गिफ्ट वगैरह पकड़े हैं। आवाम जो प्यार करने वाली है फैमिली मेंबर्स के पास काफी रश लगा हुआ है, मस्जिद का भी रश है। लेकिन मैंने इमाम बारगाह पहुंचना यार, मैंने सुनना है जाकरों को, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। अभी फिलहाल लंगर खाने जा रहे हैं, कुछ रश कम होता है तो पिछले गेट से फिर इमाम बारगाह अंदर एंटर होंगे। ये माशाल्लाह से जी मेन गेट है, इसके बाहर रश लगा होगा। अब हम जो है ना वो छोटे गेट से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मेन गेट से निकलना मुश्किल है। हाँ ये छोटा गेट, चलो 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 शूटर निकलना है, शूटर निकल जाते हैं। चलो मसला पता क्या, मेरी अम्मा से भी बड़ी एज की अम्मा थी, काफ़ी ज़्यादा अम्मा थी, उनके बच्चे थे हाथ में, छोटे छोटे बच्चे थे, सब मिलने के जिद कर रहे थे। मैं सबसे रिक्वेस्ट एक ही कर रहा था कि मजलिस का तकद्दुस ख़राब ना करें, थोड़ी देर मजलिस सुन लें, मुझे भी सुन लेने दें, मैं शाम तक यहीं हूँ, मैं सबके साथ मिलके जाऊँगा। लेकिन फिर सेम सिचुएशन मीटअप वाली हुई, किसी ने बात सुनी ही नहीं, सब ऊपर चढ़ रहे थे, मुझे फिर भागना ही पड़ा। अम्मा को जो है वो हैदर की घर बिठाया हुआ, बाबा आगे चले गए हैं, मैं और वैस फिर भाग के निकले हैं। अब कोई बैक डोर देखते हैं, पहले लंगर खाने चलते हैं, बैक डोर देखते हैं फिर पहुंचते हैं इमाम बारगाह। जाना तो मैंने है, मजलिस तो मैंने सुननी है। ओके जी, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली, लंगर खाना भी है और हैदर वगैरह का अबाई घर भी है, पहले जहाँ पर ये लोग रहते थे। अब तक यहाँ पर नहीं रहते ना, मजलिस वगैरह करने आते हैं, मजलिस वगैरह करने सिर्फ यहाँ पर आते हैं, अशरा वगैरह करते हैं मुहर्रम सफर में। ये सारा जो है घर है, ये सारा है लंगर खाना, और वो ऊपर अलम लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम या मेरे मोमिन, अम्मा अभी इधर ही है भाई। लंगर का क्या सीन है, नाश्ते में क्या था? नाश्ते में मटर गोश्त, क्या था? मटर कीमा, मटर कीमा, ऑमलेट और हाजरी थी। बस कर दे, बस कर दे, मैं आया नहीं, अब तू बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाई जा रहा है। अब क्या सीन है, दोपहर में क्या है, रात में क्या है? आलू गोश्त चल रहा है। और दिखाओ जरा, कोई शक्ल दिखाओ, इसकी शक्ल दिखाओ जरा सालन की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बन रहा है, अभी बन रहा है, इन प्रोसेस है। इसके अलावा ये क्या भाई, बिरयानी? ये बिरयानी भी बन रही है। हमारे हिस्से में जो है वो बिरयानी या मटर गोश्त आएगा। हैदर का बड़ा भाई भी आ गया, मेरा भी बड़ा भाई है, आप सुनाएं ठीक है? ये ठीक, सही जा रही मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, मौला कबूल फरमाए जी। ये जी हमारा अपना ही तंदूर है जहाँ पे रोटियाँ वगैरह लग रही हैं, पूरा पूरा लंगर का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अभी मकसद सिर्फ इतना सा है कि इमाम बारगाह पहुँचना है, पिछले रास्ते से कोशिश करते हैं कि बस पहुँच जाए किसी तरीके से। अच्छा भाई, ये इमाम बारगाह है, ये सात दीवार है और ये छोटा गेट है। यहाँ से अब मैं जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे जो फेवरेट इलामा हैं जाफर जतोई साहब, उन्होंने एंड करनी है मजलिस, तो पहले उनको सुनना है लाजमी, और आप लोगों को मजलिस का रश भी दिखाना है, थोड़ी बहुत मजलिस भी सुनाने की कोशिश करूंगा। मेरी सारी मजलिस जो है ना वो खराब हो गई है, मैंने तीन रस्तों में आने की कोशिश की लेकिन मैं मजलिस तक नहीं पहुंच पा रहा, हर जगह पे मतलब रश लग जाता है। मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि मजलिस सुन लो, मजलिस के बाद रुकूंगा, पिक्चर लूंगा, सेल्फी लूंगा, वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्यार उनका नहीं रुकते। अब ये देखो ये दरवाजा, ये साथ इमाम बारगाह है, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। इसकी चाबी है, बंदोबस्त करवा रहा है, हाँ चाबी का बंदोबस्त करवा रहा है। अगर ये मिल गई तो मैं यहाँ से इजीली एंटर हो सकता हूँ। पीछे से ना उधर ही साइड पे चले जाओ। अल्लाहु अकबर।
रसूल अल्लाह। अल अजर, अल अजर, या अब्बास, या अब्बास। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये है मेरे फेवरेट साकिर जाफर जतोई साहब, इनके बाद इनकी बारी। यार आज फर्स्ट टाइम अफसोस हो रहा है, फर्स्ट टाइम अफसोस हो रहा है। मैंने सबसे कहा यार रुक जाओ, मजलिस सुन लो, मजलिस सुन लो। सामने मेरे बैठा जाकिर पढ़ रहा है और जिनका मैं वेट कर रहा था, मैंने तीन जाकिर सुने सिर्फ, उनके वेट में जाफर जतोई। जब वो आए हैं, बच्चे क्या, औरतें क्या, अंकल क्या, सारे आ रहे हैं और मजलिस का तकद्दुस सारा खराब हुआ। मुझे उनको बाहर निकालना पड़ा, उन्होंने मतलब हैदर आया, अंकल आया, उनका मजलिस मैंने नहीं, मजलिस आपको मजलिस के अंदर ही रश लग गया। और मुझे अपने जो जाफर जतोई साहब, मैंने इनको सुनना था, बगैर उनको सुने ही मैं बाबा अवैस, हम तीनों को बाहर आना पड़ा। मैं इतनी बार कहा कि यार रुक जाओ, मैं मजलिस सुन के बाहर आऊंगा, पिक्चर्स वगैरह हर चीज लेंगे। अभी भी काफी लोगों के साथ ली है, लेकिन मजलिस के अंदर जहां पर मजलिस हो रही है वहां पर तो कम से कम वेट कर लो। फिर दो चार लड़के आए, उन्होंने मुझे पकड़ के भैया पा दे बाहर आ जाए। यार प्यार है, मैं उनसे बेशक उनसे मैं खुद बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने जतोई साहब को सुनना था यार। मेरे पास आके बैठा है बकर वाला बच्चा। अच्छा वो देख रहा है, मजलिस सुन रहा है, साथ से ऐसे कैमरा ऑन किया हुआ है। हाँ। मैं कहा सिर्फ सबर कर ले, मजलिस सुन ले, मेरे फेवरेट जाकिर पढ़ रहे हैं, मैं तेरे साथ बैठ के वीडियो बनाऊंगा। और एक एक नहीं आए, काफी काफी आए, एक एक जगह से मुल्तान बकर से काफी ज्यादा आए हुए। चलो खैर, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया भैया, की मजलिस ठीक हो गई है, जबरदस्त हो गई है, सही रश लग गया। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई बात हो ना, कोई मजलिस वगैरह हो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आऊंगा, मैं रुकूंगा, मैं पिक्चर लूंगा, हर चीज करूंगा, मैं भागता नहीं। लेकिन जब इस तरह का हो जाता ना सीन, तो फिर मजलिस का तकद्दुस खराब होता है, फिर भागना पड़ता वहां से। अब मैं सुन, मजलिस के बाद सुकून से बंदा यहाँ पर डेरे पर तो ला लेते, बैठ के पिक्चर लगा जितनी मर्जी लोग। अब मैं अपन सुन नहीं सका जाफर जतोई साहब को। खैर अम्मा वहीं पे हैं, अभी अम्मा नहीं आई भाई। अम्मा आती, वो मैंने सोचा उनको घर पे ले गया, तो मैंने कहा अम्मा को इमाम बार का मैं आने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे बड़ा गुस्सा करना है इस बात पे, लेकिन अगर अम्मा आ जाती शायद मजलिस हमें जो है वो बंद करवानी पड़ जाती है। सही है कि नहीं? अभी तो हम सब साइड पे और अम्मा के लिए एक साइड पे, उनको हैदर वगैरह की फैमिली के साथ घर बिठाया हुआ है, इमाम बार का अम्मा आ ही नहीं सकती भाई। ये देखिए मेरे पास कितनी भाई चॉकलेट का क्या हाल किया तूने यार, मेरी जेब में। ये देख रहे हो, ये फुल सख्त चॉकलेट थी जो लूसी हो गई है, तूने क्या हाल कर दिया यार? मैं क्या करूं, इतना रश था इतना। ये देखें, अब ये देखें। अच्छा। ये है और ये फिर ये है, दो बाद में पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे। और क्या, बस बस ये मेरे पास भी है। क्या पर्चियां? लेटर आया भाई, पर्चियां आई हैं। अच्छा मेरे तक कोई भी नहीं पहुंची यार, मेरे तक कोई लेटर कोई पर्ची मुझ तक नहीं पहुंची। दिखाओ आपके पास क्या है। ये दो ये भी हैं जी, भट्ट साहब के पास भी है। आपको किसने दिया? लड़का है। चलो जी एक घर जाके सारे पढ़ेंगे, अभी अम्मा के पास चलते हैं, कोई लंगर वगैरह। भाई भूख लगी हुई है, सुबह से नाश्ता किया हुआ है? मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ। मैंने नाश्ता किया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, कुछ नाश्ता वगैरह नाश्ता करो, खाना साना खिलाओ, अम्मा से मिलते हैं। घर जाके ये सारी पर्चियां जो है जी पढ़ते हैं। कुछ गिफ्ट वगैरह भी आए हुए हैं जो इसने पकड़े थे, अवैस ने, मैंने कबड़ में रखवा दिए थे, उनके पड़े थे, तो घर जाके सारे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई। जाकिर है और हमारी खुशकिस्मती है कि हमसे प्यार करते हैं, हमें देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा अच्छा लगता है, गुजरात से मेरी फुप्पो है, उन्होंने स्पेशल पाया था रजब भाई को, पूरी फैमिली को मेरा सलाम। मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा, सलाम भी दीजिएगा, मेरी तरफ से कभी लेके आइएगा घर, मैं इंशाल्लाह अपना घर बनाऊंगा
मर्दाना मजलिस करवाऊंगा। हाँ ना, मैं सुबह निकला हूँ 7 बजे, मैंने 2 मल से पहले पढ़नी थी, एक कच्ची कोठी इधर प्राइमरी के पास, उसके बाद मैं चला गया फैसलाबाद, वहाँ से पढ़ के फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लंगर आ गया जी, आए हाय हाय हाय, फेवरेट क्या? हाँ मेरी फेवरेट है ना, दाल माश आ गई। ये क्या भाई, आए हाय हाय, आलू गोश्त ज़बरदस्त। आए 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 आए, आ जाओ बिस्मिल्लाह करें, आ जाएँ आप भी सर, बिस्मिल्लाह करें, आ जाएँ। ओके जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लंगर कर लिया, अब निकलते हैं, अभी अम्मा को भी जाके मिलना है, वो एक जाकिर नहीं सुन सकी, फुल गुस्से में होंगी अभी। नहीं गाड़ी पीछे खड़ी है, गाड़ी दूर खड़ी है। इतनी प्यारी, आपका नाम क्या? उम्मे बनीन। अब बताओ आपने कहाँ जाना है? कहती है आपके घर पर। और अम्मा बाबा वो कैसे रहेंगे आपके बगैर? वो भी आपके घर पर रहेंगे। चलो जाओ, मांग एक कर, भाग जाओ, चलो भाग जाओ, बाय बाय। आप हमारे घर आओगे? मैं आपके घर आऊंगा, प्रॉमिस, ठीक है, बाय बाय। पानी कर दो, पानी बाय, आपका शुक्रिया। आप मैं गाड़ी में बैठा, मैं लेके आता हूँ अम्मा को। चल ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अम्मा इज इन फुल अग्रेसिव मूड क्योंकि अम्मा से मजलिस नहीं सुनी गई। हाँ जी आ गए हो, कैसी रही मजलिस आपकी? मैं सजदों में बैठी, मेरे लिए काफी है। अच्छा चलो आओ बैठो, जल्दी करो, मैं बहुत लेट हो गया यार, बैठो। हरिया हरिया हरिया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा है? बहुत शुक्रिया मेहरबानी। और तू आप सेलिब्रिटी है पागला, अल्लाह हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज, मैं चल रहा हूँ, बाय बाय भाई, अल्लाह हाफिज। ओके भाई अल्लाह हाफिज, चलो 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 चलो, हरिया 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 हरिया। क्या हुआ, आपका मूड क्यों खराब हुआ है? यानी मैं एक भी जाकर नहीं सुन सकी भाई। फिर ये देखो, ये मेरी बात सुनो, ये लो पहले, ये लो ना, आई लव यू, ये मैंने आपके लिए स्पेशल लिया है, झूठ बोल रहा है, ठीक है भाई। बात पता क्या है, हैदर और मैं आपको इसलिए नहीं लेके गए मामबार का, हम छोटे मोटे से सेलिब्रिटीज हैं, मैं हो गया, बाबा हो गए, अवैस हो गया, हम लोग गए हैं तो उन्होंने हमें मामबार से निकाल दिया, कि जो प्यार करने वाले होते हैं ना उनका अपने आप से कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है ना। मजलिस के अंदर ही अभी मैंने सिर्फ एक जाकिर सुना जो मेरे फेवरेट हैं, जाफर जतोई साहब, वो आने वाले थे, मैंने उनको सुनना था, तो बच्चे भी आ गए, बीबियां उस तरफ से इस तरफ आ गई बंदों में, ठीक है। फिर अंकल आए, अंकल मेरे का बेटा उठ जा यहाँ से, मजलिस का तकद्दुस खराब हो रहा है, ये लोग नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो फिर मैं वहां से निकला हूं, अगर आप होते तो सोचो क्या होना था फिर, समझ रहे बात को? नहीं, वैसे मैं जिनके घर बैठी थी ना, कसम से मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे सादात ने इतना प्यार दिया। घर था आपका, अपना घर था वो, तो ठीक है, लेकिन आप मजलिस से सुन सके ना, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। मुझे उसका बड़ा हुआ कि मैं एक भी जाकर नहीं सुन सकी, लेकिन 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 आपके लिए कुछ तोहफे, तहाइफ, कुछ पर्चियां आई हैं, और उन सब के अंदर एक इतना सा पैकेट ऐसा है जो आप देखोगे तो आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। मौला सबको सलामत भाई, वो लेके आओ, लेके आओ, फटाफट करो। ओके जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, गिफ्ट जो आज मिले हैं अनबॉक्स करते हैं। अब मैं मजलिस तो नहीं सुन सका, अम्मा तो बिल्कुल ही नहीं सुन सकी, मैंने थोड़ी सी सुन ली, लेकिन जो मेरे फेवरेट जाकिर थे, जाफर जतोई साहब, मैंने उनके सिर्फ टिकटॉक के ऊपर ना क्लिप्स देखे हुए, मैंने कभी लाइव नहीं सुना, आज लाइव उनको देखा है लेकिन सुन नहीं सका। कोई बात नहीं, प्यार करने वालों का प्यार है, अच्छा भी लगता है। अच्छा सबसे पहले ये फ्लावर्स मुझे मुझे थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे हैं। उसके बाद अच्छा इसके अंदर एक इतनी सी बुढ़िया है जो कि अम्मा की, सारा कुछ अम्मा के लिए है, जो कि अम्मा के लिए है, वो मैं एंड में दिखाऊंगा, और मैं लिख के देता हूं कि अम्मा को बहुत पसंद आएगा, अम्मा शायद पागल हो जाए उसको देख के, ये मैं एंड में दिखाऊंगा, ये मैंने देख लिया। इनमें से ज्यादातर गिफ्ट वो हैं जो हमारे जाने से पहले ही हैदर को लोगों ने पकड़ा दिए थे, हैदर ने रख दिए थे संभाल के, और ये सारे लेटर वगैरह हैं, पर्चियां वगैरह हैं, पर्चियां नहीं पढ़ता मैं क्योंकि नंबर लिखे हुए हैं। मेरी बहनें भी थी, कुछ मेरे दोस्त भी थे, सऊदी अरेबिया, रजब फैमिली, ये भी पर्ची है, ये मैं देखता हूँ अगर किसी पर्ची के ऊपर नंबर ना लिखा हो
या एड्रेस वगैरह ना लिखा हो तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ ये है, अस्सलाम वालेकुम रजब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं आपका और आपकी फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे आपकी मामा भट्ट साहब, दूर के रिश्तेदार और अवैध साहब आए 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 सब बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके पिछले मीटअप पर भी आया था और फिर साथ पिक भी ली थी। आपने मुझे भी अपनी फैमिली मेंबर में शामिल करना है। आप बेशक आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप आ गए। एक क्रिश्चियन फैमिली जो मैंने बताया था, 7-स्टार फैमिली जो हमारे मीटअप पे भी आई थी, क्रिश्चियन फैमिली आज एक मजलिस पे आ गई है। ठीक है, और क्या चाहिए? और मैं तो राजी हो गया, वो और कुछ चाहिए नहीं जिंदगी में। मुसलमानों ने आपस में तो फर्के डाले हुए हैं जी, सुन्नी शिया की मजलिस में नहीं जाते, शिया वहां नहीं जाते, एक क्रिश्चियन फैमिली मजलिस पे आ गई है। साहब लगाओ यार, लव हो गया। अच्छा खैर, मेंबर हूं मैं, आपको स्टार्टिंग से देख रहा हूं और अब मुझे भी व्लॉगिंग का शौक हो गया है। आप मुझे भी सपोर्ट करें, जरूर करेंगे। मेरे चैनल का नाम है राजा उमर, राजा उमर भाई के चैनल का नाम है, जरूर सपोर्ट करो, जाके उसको सपोर्ट करो। बाकी इस पे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, ये हम नहीं पढ़ा रहे, मैं बाद में पढ़ूंगा। और ये 2-3 पर्चियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ाने वाली नहीं है, ये मैंने पढ़ ली है, मैं देख लूंगा क्या करना है इनका मैंने। अच्छा ये एक और है, रजत फैमिली का कार्ड आया है, आए 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 जैनी व्लॉग। अच्छा ये भी सारा प्यार मोहब्बत लिखा हुआ, आई एम बिग फैन रजत फैमिली और आपकी फैमिली से मिलने का ख्वाब था, हो गया पूरा। ठीक है, इनके चैनल का नाम है SA जैनी व्लॉग्स, इसको भी जरूर फॉलो करें। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SA जैनी व्लॉग्स, भाभी चैनल URA व्लॉग, भाभी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। लाजमी लाजमी सबकी मदद। ये एंड पे मुर्शद, ये एंड पे। अच्छा जी ये अतर है, अतर होता कि इतर होता है? ए से लिखा हुआ है लेकिन अतर होता है, अतर लवली वो है, वो वाला है जो मेरी खुपो लगाती थी ना कानों में कलियां, वो वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत चीज, चेक करो चिपकाना हो तो इंशाल्लाह। अच्छा जी ये है जी वो 7-स्टार फैमिली की तरफ से जो आया है, आई थिंक हाँ उनकी तरफ से आया। थैंक यू सो मच रजब भाई, आप हैं हमारे, आपने हमारे चैनल का नाम अपने चैनल पे अनाउंस किया था जब लास्ट टाइम हम मीटअप से होके आए थे, तो मैंने आप लोगों को अनाउंस किया था, मुझे याद है। उसकी वजह से लोगों ने हमें काफी सपोर्ट किया 7-स्टार फैमिली की तरफ से, लव यू ब्रो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसको खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है, अगर हाँ, दिखाने वाला हुआ तो दिखाएंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आपके चैनल को इस तरह तरक्की दे। अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप लोग भी करें। आए 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 आए, ऐसे रखो जी, सर्दियां की शॉल आ गई है भाई। मम्मा जी अगली बार ना इनको शाउट आउट शूट आउट अपना चैनल बनाना, उसके ऊपर ही देना। पिछली बार भी शॉल आपकी आई थी, इस बार भी ये 2 शॉल आपकी आ रही है, सानू ठंड नहीं लगती, मेरे से सर्दियां नहीं आ रही। ये लिखा है जी 7-स्टार फैमिली की तरफ से माँ जी के लिए, कोई बात नहीं जी, लास्ट टाइम भी माँ जी के लिए आया था। ठीक है, डिश मम्मा जी ले ली आपने? नहीं दिखा डिश, ये मेरी बच्ची वो इतनी दूर से आई थी, वो लड़की और बच्ची, वो अल्लाह पाक उसको जिंदगी सलामती वाली बेटी भी दे, इसका बेटा एक है, वो आई है लिंक वाल्टन रोड से, वाल्टन रोड से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच बेटे। अच्छा एक और लड़की थी, एक और लड़की थी जिसका आप मुझे गाड़ी में बैठ के बता, जिससे मैंने मिल सका, वो कहाँ से आएगी? वो अभी वो गई इस्लामाबाद है, आई थी मुल्तान से। क्या करती थी? प्यारी बच्ची वो, क्या करती थी? मुझे गाड़ी में बैठ गई थी, रजब अली मैं कहा, हाँ जी वो मॉडल भी आए सन मिलन, मैं कहा जी तो फिर क्या हुआ? प्यारी बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची, मॉडलिंग करती थी वो, और मुझे सुबह उनका मैसेज आया था, ऐसी नहीं बस उनका अपना सलोन, नहीं वो ना जो लेडीज में जेंट्स का उनका अपना सलोन, यार तो बुरी काम, बुरा काम नहीं है, मैंने भी किया मॉडलिंग, मैंने कौन सा नहीं किया, तो खैर ब्राइडल शूट वगैरह वो करती है, वो मुल्तान से आई थी, मैंने उनको लोकेशन
शेयर की थी। ये आया है जी रजब फैमिली, ये गिफ्ट नहीं है, इसमें हमारी पूरी फैमिली का प्यार है। मेरी नानो आपकी मामा की फैन है, ये गिफ्ट उन्होंने अपनी अपने हाथों से पैक किया है। अपनी आपने मुझे सपोर्ट करना है, मैं भी चैनल, मेरा भी चैनल है फिल्जे व्लॉगर, फिल्जे व्लॉगर के नाम से इनका चैनल है। देखते हैं गिफ्ट में क्या है, इनको जरूर सपोर्ट करें। शुक्र है ये नहीं फटा, ये पढ़ लेते हैं। रज्जब भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि आप कौन सी ऐप यूज करते हैं थंबनेल के लिए। मैं भी एक छोटी सी यूट्यूबर हूं, आप बता दें हेल्प हो जाएगी। मैं कैपकट से करता हूं, मैंने आज सुबह भी बताया कि एक ही मोबाइल है उसके अंदर ही एडिटिंग करता हूं, उससे ही शूट करता हूं, उसी से अपलोड करता हूं, जबकि मुझे एक लैपटॉप की जरूरत है, लैपटॉप मैंने लेना है। लेकिन फिलहाल मैं कैपकट से करता हूं और थंबनेल के लिए मैंने लड़का रखा हुआ है। थंबनेल वो प्रोफेशनल तरीके से बनाता है, ठीक है। थंबनेल जो है वो मेरे बस की बात नहीं है, बाकी व्लॉग वगैरह सारा मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ। वन मैन मामा यार, मुझे समझ ऊपर क्यों का ही एक और है जो साथ उसके पेस्ट हुआ था, खोलते हैं। लो जी अलविदा बैग, मौजा मार माई मौजा मार, राजी बाजी रहा। मेरा कोई एक गिफ्ट नहीं आया, देख रहे हो ना, एक गिफ्ट नहीं मेरा आया और सारे जहान को तस्वीरें दे दे के मैं थक गया। कोई बात नहीं, दुख रहेगा मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा फेवरेट शॉपर आया जी। मामा जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सदके अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आपको जो चीज दिखाने लगा ना मैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखो भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये देखो मुर्शद मुर्शद, मैं सदके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, खाके शिफा। और ये यार, ये एक नाग भी है जी इसके अंदर, सॉरी ये दिखाना भूल गया था, ये एक नाग इसके अंदर से निकला है, ये एक नाग निकला है माजी आपका, ये खाके शिफा है। और ये मेरा ख्याल है कि वो खाना खा पे का लिफा है, ये कहा था सबके जान गेन वालों की मौला खैर करे सलाम की। ये देखो जी, ये देखो बुद्धू बट साहेब, ये देखें। हाँ जी पापा जी, मीटअप पे मम्मा नहीं होया, मजलस से तो मम्मा ही गए हैं, तुसी ते मैं बस तस्वीरें लेके आ गए, सामने तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको वहां बार लेके नहीं गया। अगर आप चले जाते ना तो उनको शायद मजलिस अपनी बंद करवानी पड़ जाती, इसलिए आपको हैदर भी और मैं भी लेके नहीं गए। क्या जबरदस्त यार, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। अब मैं आपको दिखाने लगा हूं वो चीज जिसका मुझे इंतजार था, जिसको देख के आपने पागल हो जाना। ए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थोड़ा सा यहां कर दे, रेडी रेडी, आंखें बंद करो, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, अभी नहीं खोली, चीटिंग नहीं करनी। कितने नग गए थे, ऑर्डर लगाओ, चेक करो, दिखाओ भाई, रो क्यों रहे हो यार, ये होता है मौला का करम, ये होता है अल्लाह के प्यार करने वालों का करम। भाई कितने नग गए थे, 4-5 नग गए थे ना, गिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नाग अल्लाह ने दे दिए, सारे जबरदस्त जबरदस्त। ये एक तो अलग आया ना, 13, ये 13 कैसा कैसा। ये देखें, ये कार्ड है, इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रॉम नदीम सलीम्स फैमिली और जस्ट टू से थैंक यू, यू वेलकम सर, यू वेलकम। अब इसके अंदर कुछ और भी है, सज्जे का भी है, थैंक यू सो मच। बस हाँ जी, मजा आया, इसे कहते हैं प्यार यार, आई लव यू ऑल। मेरे पास ज्यादा लफ्ज नहीं है कुछ कहने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना सा कहूंगा कि जितना प्यार ये 7 महीने में मिल गया ना, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना ही मैं इतना डिजर्व करता, मैं बहुत ही गुनाहगार आदमी हूँ। ये पता नहीं मेरे अल्लाह का कौन सा खास करम है कि मुझे आप लोगों जैसी फैमिली मिली है। ये सारा कुछ हैदर ने पकड़े, कुछ अवैस ने पकड़े, मैं तो सिर्फ तस्वीरें देता रहा हूँ, भट्ट साहब भी तस्वीरें देते रहे, मजलिस से हमें निकलना पड़ गया जस्ट बिकॉज के प्यार करने वालों का प्यार खत्म ही नहीं हो रहा था, वो मजलिस नहीं, मतलब मजलिस तो थैंक यू सो मच, बहुत से शुक्रिया अदा करो उनका, दुआओं से, दुआएं, मुझे अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूं, बंद कर दे, क्या ही बोलूं यार। लेकिन हाँ, मैं और बाबा हम दोनों आपसे नाराज हैं, बाबा ने तो ये भी कह दिया कि मैंने आज के बाद व्लॉगिंग में नहीं आना। नहीं, 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 नहीं हो सकता
क्योंकि हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई, सारे के सारे गिफ्ट ही अम्मा के हैं, शॉल अम्मा की, फूल अम्मा के लिए, बर्तन अम्मा का, नग अम्मा का। ऐ देखो माई तो कमली हो गई है भाई, सीधा तो करो, सीधा तो करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त मजाक कर रहा हूँ भाई। आप सब जो प्यार करते हैं वही सबसे बड़ा हमारा गिफ्ट है। मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसको बोलो मेरी सारी जिंदगी की दुआएं तेरे साथ। क्या बात है, क्या बात है जैनमन, सबसे बड़ा गिफ्ट है। ईच एंड एवरी पर्सन एंड ईच एंड एवरी गिफ्ट, लव यू, जबरदस्त, हर चीज बहुत प्यारी है। इसी के साथ ब्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड। मेरा गला खराब है क्योंकि मैंने ठंडा पानी ज्यादा पी लिया, मौसम चेंज हो रहा था और अब तबीयत भी खराब हो रही है, लेकिन ब्लॉग को एंड करना है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैदर का बहुत शुक्रिया जिसने हमें इनवाइट किया और जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, उन सबका तो बेशुमार शुक्रिया। आप लोगों ने कुछ कहना? हाँ जी, मैंने कहना बच्चों मेरी बहुत बहुत दिल की गहराइयों सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मौला सलामत रखे आप लोगों को। ओके थैंक यू साहब ने कहना है जी, ओके थैंक यू। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आया आपको। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दोस्तों के साथ व्लॉग को शेयर करें। होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।